The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Nail problem, nails. भाई नेल ना खून आपके इस फिंगर नेल्स या किसी नेल्स के बारे में आपको क्या पता है बहुत कुछ पता होना जरूरी है नेल्स आपकी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और डॉक्टर भी जाके आपके नेल्स जरूर देखते हैं तो आप शायद ना भी सोचते हो अपने नेल के बारे में अनलेस अनटिल आप उसे पेंट करते हैं या फीमेल हैं तो लेकिन आपकी माता आपके घर वाले आपके पेरेंट्स बचपन से बोलते आए हैं कि भाई नाखून काटा करो नाखून पत कम रखा करो नाखून में गंदगी जमा हो जाएगी उससे कुछ बीमारियां हो जाएगी राइट सो आपके नेल्स का काम क्या है राइट क्यों है वो राइट जो हार्ड सरफेस है आपके नेल्स का उसका भी अलग उद्देश्य है राइट क्या उद्देश्य है भैया जब नेल्स ऊपर रहती है ना ये नेल्स का एक काम है आपकी बॉडी में द नेल्स हार्ड सर्फेस ऑफ द नेल्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर टिप्स ऑफ योर फिंगर जी हाँ ये प्रोटेक्ट करती हैं जब आप ऐसे ऐसे मारते हो जब आप ऐसे ऐसे मारते हो जब कोई चीज लग जाए तो ये प्रोटेक्ट करती है आपके नेल्स आपके फिंगर के टिप्स को और आपके फिंगर नेल्स मेक इट ईजियर फॉर यू टू स्क्रैच समथिंग स्क्रैच एंड इच आपको खुजली हो रही है मान लो आपको कोई स्वेटर के ऊपर से कुछ हटाना है पकड़ना है चीजें तो माइन्यूट चीज फिंगर नेल हेल्प करते हैं सो फिंगर नेल का इम्पोर्टेंस है सो इट्स नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन और समथिंग लाइक दैट राइट नेल्स खुद बने होते हैं बिल्कुल बाल की तरह केराटिन से सो केराटिन ये वही चीज है राइट बाल वाली और ये जो स्किन के टॉप लेयर पे भी जो डेड टिश्यू होता है वो केराटिनाइज्ड टिश्यू होता है वो भी केराटिन से बनता है और ये फिंगर नेल या फिर इसको कहिए टो नेल कोई भी नेल हो ये पैदा होने से पहले से है भाई साहब जी हाँ जी हाँ जी हाँ सो ये आते कहाँ से हैं कहाँ से आए राइट देखो आपको ये यू शेप दिख रहा है जो नेल के नीचे जो क्यूटिकल दिख रहा है ना ये यू शेप छोटा सा पार्ट है जो नेल के नीचे दिखता है ऐसा अपने को दिखेगा नहीं अभी बाकी देख सकते हो क्यूटिकल होता है एक छोटा सा यू चांद सा होता है आधा चांद अर्ध चांद नीचे सो दैट इज द क्यूटिकल यू शेप क्यूटिकल और दैट इज वेयर नेल बनना शुरू होता है वहां ग्रो होता है नेल और उसके नीचे थोड़ा सा और होता है अंडर और नेल स्टार्ट्स इन दैट दिस नेल रूट हिडन अंडर द क्यूटिकल क्यूटिकल के नीचे होता है नेल रूट यहां पर ठीक है और जब ये सेल्स रूट के ग्रो होते जाते हैं तो नए सेल पुराने सेल को बाहर की तरफ पुश करते जाते हैं जैसे बाल वैसे नेल ग्रो होता जाता है ठीक है और ओल्ड सेल फ्लैट होते जाते हैं हार्ड होते जाते हैं सख्त होते जाते हैं केराटिन के वजह से केराटिन केराटिन इज अ प्रोटीन विच इज मेड बाय दीज सेल्स राइट जो क्यूटिकल में सेल्स होते हैं और नया नया जो नेल होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है वो आपके नेल बेड के नीचे अंदर वहां छुपा हुआ होता है और नेल बेड के ऊपर छोटी मोटी खून की नसें भी होती हैं बढ़िया वाली जिसके जिससे नया खून बनता है और जब एक बार बन गया तो वहां पर आगे ऊपर जाके कोई उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता राइट सो आपके नेल भाई साहब बालों की तरह बिल्कुल स्लोली ग्रो करते हैं और नेल के नीचे जो पिंक कलर आता है वो खून की नसों का है अंदर नीचे खून की नसें बढ़िया होती हैं नेल में टिप में क्योंकि वहीं से आपके सेंसेशन आनी है आपको पता लगना हो कि आई एम टचिंग समथिंग आई कैन फील समथिंग इसलिए वहां खून की नसें ज्यादा है इसलिए वहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है वरना थोड़ी सी भी इंजरी में धुआंधार ब्लीडिंग हो सकती है धुआंधार तो नहीं होगी थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी राइट सो धुआं तो आता नहीं ब्लीडिंग से है कि नहीं जस्ट किडिंग सो नेल बेड इंपॉर्टेंट है नेल का अपना काम है और इसको क्यूटिकल बोलते हैं हमने आपको बता दिया जहां नेल सो नेल की भैया केयर भी करनी पड़ेगी आपको राइट नेल की केयर बहुत जरूरी है नेल केयर में एक चैलेंज तो नहीं होता है बहुत छोटी सी चीज है कि नेल को छोटे छोटा रखना है कोई एजेस में कोई तीखे एजेस नहीं रखने हैं ट्रिम करके रखने हैं फिंगर नेल को और उसके नीचे कचरा वचरा जमा नहीं होना देना है राइट उसको पोकी पोकी नहीं रखना है कि वो खराब करे ये बेसिक चीज है नेल केयर कॉमन नेल प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती हैं नंबर वन जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम नेल आपके पिंक होंगे हेल्दी होंगे लेकिन कई बार नेल प्रॉब्लम आ जाती है ज्यादातर केसेस में बच्चों में इनग्रोन नेल आ जाता है यानी नेल ऐसे कर्व डाउन हो गया अगर
इनटू द स्किन, स्किन के अंदर कर्व डाउन होते जा रहा है, इनग्रोन नेल हो जा रहा है, तो वो दर्द करेगा, ये बच्चों में ज्यादा होता है राइट इनग्राम, और कई बार ऐसा चीज इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकती है, इनग्रोन नेल साइड से भी ऐसे अंदर अंदर ग्रो होने लग जाए तो भी ऐसा हो सकता है राइट, दैट इज एन इनग्रोन नेल। नेल इंजरी भी होती है, नेल इंजरी व्हेन यू ड्रॉप समथिंग, बड़ा कुछ ठोंग नेल पे गिर जाए तो नेल इंजरी हो जाएगी, और उससे क्या होगा, ब्लड जमा हो जाएगा नेल के नीचे, या फिर नेल के नीचे ब्रूज हो जाएगा, या नेल ही निकल जाएगा राइट। लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ऐसे केसेस में नेल अपने आप ग्रो हो जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट एल्स, नेल के अंदर डिफॉर्मिटी बहुत आराम से हो जाती है, डिफॉर्मिटी मतलब अगर नेल स्मूथ नहीं है, अगर वो हेल्दी नहीं दिख रहा, अगर लोग बाइट करते हैं, पिक करते हैं नेल्स को, तो वो बहुत ज़्यादा क्रूकेड दिख सकता है, उसके ऊपर लाइनें हो सकती है, उसके ऊपर दाग हो सकते हैं, उसके ऊपर डॉट्स हो सकते हैं, वाइट स्पॉट्स हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एबनॉर्मल नेल्स, नेल एबनॉर्मलिटी के कुछ कारण होते हैं, और कई सारे मिथ भी इसके लिए चल रहे हैं दुनिया भर के, मिथ भाई ये है तो वो हो जाएगा, वो होते वो हो जाएगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ये है वो है, कितनी सच्चाई है इसमें, कितना झूठ है, ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी के। और ये नेल के एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, और कई सारी बीमारियों की वजह से वो हो सकती है, दैट्स ट्रू राइट, मगर उसमें गलत धारणा और गलत इंफॉर्मेशन सुपरस्टिशन बहुत है, सो दिमाग लगा के। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हैंग नेल, हैंग नेल, हैंग मतलब जब एक लूज डेड टिश्यू, डेड स्किन आपके नेल के, फिंगर नेल के एज से हैंग करता है, जो डेड टिश्यू है वहां पर, या ये एक इमेज देखनी पड़ेगी आपको राइट, लैंग हैंग नेल, तो वो हर्ट कर सकता है, डेड टिश्यू, डेड स्किन है जो एज पे हैंग कर रहा है, वो काफी दर्द करता है बीच बीच में, तो दैट इज कॉल्ड एज हैंग नेल प्रॉब्लम। काफ़ी सारी नेल की इश्यूज माइनर इंजरी के वजह से होती है, काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज के वजह से होती है, काफ़ी सारी नेल के इन्फेक्शन, कुछ भी किसी प्रकार का नेल का प्रॉब्लम मेजर हो जाए तो आपको वहाँ दर्द होगा, रेडनेस आ सकती है, पफीनेस, स्वेलिंग आ सकती है, पस भी आ सकती है नेल में, सो इसीलिए डॉक्टर आपके नेल नेल ज़रूर देखते हैं, और नेल से कुछ आइडिया मिल जाता है आपके ओवरऑल हेल्थ का। फॉर इंस्टेंस अगर आपका डॉक्टर आपके नेल को प्रेस कर रहा है राइट, ये हम चेक कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए, अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो वहां से ब्लड चला जाएगा, वाइट हो जाएगा, आप खुद प्रेस करके देख सकते हैं, उसके बाद जैसे ही छोड़ते हैं वहां ब्लड वापस आ जाएगा राइट। ये क्या होता है, अगर कोई यहाँ पे ऑलरेडी वाइटनेस ज्यादा है तो वाइट ऑलरेडी वाइट वाइट तो होगा नहीं, तो ऑलरेडी ब्लड कम है, अनीमिया हो सकता है, छोटी छोटी वहां पे खून की नसें खराब हो रही हैं, तो इट माइट बी लंग डिजीज के वजह से हो सकता है, कोई स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, कोई और मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जिसका आइडिया मिल जाता है नेल देख के। सो इसीलिए नेल इम्पॉर्टेंट है डॉक्टरी एग्जामिनेशन में भी, और आपके केयर में भी नेल का केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे कर सकते हैं नेल का केयर, लेट्स सी 10 स्टेप्स ऑफ बेसिक नेल केयर। नंबर वन, नेल को आपको क्लीन एंड ड्राई रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेल को कट रखना है, कट करके रखना है शेप्स में, नेल को प्रॉपर शेप में कट रखिए, कोई भी शार्प एज नहीं रखना है, फाइलिंग बोर्ड से आप फाइल कर सकते हैं उसकी जो रिजेस है स्मूथ करने के लिए, काटना कर दांत को, दांतों से नेल को ना काटे, क्यूटिकल को किसी भी तरीके से इधर से ऊपर से, जो ऊपर का जो थोड़ा सा पार्ट है स्किन का, वो खींच खरोट के मत निकालें। आप नेल को टूल के जैसे इस्तेमाल नहीं करना है कि कैन को खोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, खुजली कर सकते हैं बस और कुछ नहीं राइट। नेल को कम हमेशा अपने टो नेल को भी आपने ट्रिम करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और टो नेल जब बड़े हो जाए तो आप उसको सॉल्ट वाटर में सोक करके रख सकते हैं, बहुत मोटे मोटे हो जाए तो एक चम्मच नमक आप पानी में डाल के रखिए, गर्म थोड़े से नॉर्मल से गर्म पानी में, और उसको फिर रख दीजिए तो ट्रॉमा और इंजरी से बच जाएगा, मतलब वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर काट लेंगे राइट। सो उसके बाद में इनग्रोन नेल है तो डॉक्टर को दिखाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट निकालेगा, खुद से निकालने की कोशिश मत करिए, और जो शूज़ हैं वो प्रॉपर फिटिंग वाले लीजिए, टाइट शूज़ मत पहनिए वरना वो नेल को प्रेशर देंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, और शूज़ प्रॉपरली फिटिंग वाले होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। और अगर आप फ्लिप फ्लॉप, जब आप पूल्स में, स्विमिंग पूल में जाते हैं, पब्लिक शावर में जाते हैं, तो पक्का फ्लिप फ्लॉप पहन के जाइए, नंगे पैर मत घूमिए, फ्लिप फ्लॉप स्लीपर पहन के जाओ, नंगे पैर घूमोगे तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे राइट। रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट योर नेल्स, 10 पॉइंट अगर आपने ध्यान रखे तो ध्यान से आप नेल, हैप्पी नेल्स रख सकते हैं। अगर नेल के कलर में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, आपको स्वेलिंग आती है, पेन होता है किसी भी प्रकार से, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट उसके
के डॉक्टर होते हैं, नेल के जो स्पेशलिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट ही नेल के डॉक्टर होते हैं. रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. और डायबिटीज वाले पेशेंट्स का पुअर सर्कुलेशन होता है नेल पे, या फिर किसी का अगर मान लीजिए स्मोकिंग करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, लंग बीमारी है तो आ सकता है, नेल मोटे मोटे हो गए तो क्लबिंग हो सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन. वील बी टॉकिंग अबाउट दैट इन अ शॉर्ट वाइल, बट देन दिस पार्ट इज द इंट्रोडक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर पार्ट अच्छा लगे तो लाइक दबाना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. ऑलराइट.